उस आदमी ने कई बार कहा है मेरे जानलेवा खतरा है। वो आदमी हमारे डूंगरपुर भी आया था, हमसे मिला था 6 महीने पहले। उसने ये बताया कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं और प्रशासन मिलके कई बार इसके घर के वीडियो भी वायरल हुए हैं। हाँ, कि उसके घर पे जाके भी धमकियाँ दी गई है। लेकिन चलो उस घटना को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जो घटना हुई है ना, नहीं, 8 लोग हैं, दो जमे में ये बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनो, वो तब्दील से दो लोग कब गिरफ्तार हुए, मेरी बात सुनो, वो जांच करे से दो लोग कब गिरफ्तार हुए, मरने के बाद में, सब बैठ जाओ एक बार, समझते हैं कानून को अच्छी तरीके से, लेकिन उस आदमी के साथ इतना बुरी तरह से मारा उस आदमी ने, बैठ जाओ, नीचे मरने के बाद रात को उसको प्यार से मिला, गिरफ्तार बैठे गिरफ्तार कब किया है जिला अध्यक्ष, कोई वो नहीं है, पर ऐसे नहीं रहा, 2-4 लोग जो भी हमने ऐसे नहीं रहा हूँ, मैं ग्रुप में मिलने का क्या मतलब, बात नहीं रख पाएंगे वो चीज। ये लोग सुबह से बैठे हैं, सुबह से हम भी 9 बजे से यहीं, आपको तो चर्चा करनी है और वहाँ से बॉडी में लाने कर रहे हैं, बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, अपने यहाँ से पुलिस गई है, सर मेरे उसका एक प्रोसीजर है, पोस्टमार्टम करके हमारे डूंगरपुर राजस्थान, मेरी विधानसभा 65 किलोमीटर गुजरात बॉर्डर से टच है, मेरी विधानसभा के लोग डूंगरपुर में कम आते हैं, मोड़ासा मेंगरे ज्यादा जाते हैं, और बहुत घटना हुई है ऐसी, पहली बार सुन रहा हूं मैं कि वहां पोस्टमार्टम करके, ऐसा नहीं है परिजन जहाँ चाहेंगे वहां पोस्टमार्टम होगा, ये चलो वो तो अब आप क्यों गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर प्रशासन गुमराह कर रहा है, वहाँ पोस्टमार्टम कर दिया, प्रशासन सुबह ऐसा नहीं होता, सुबह मेरी वहाँ बात हुई, उन्होंने क्या कहा कि आप ले जाओ, अच्छा। साइन करके ले जाओ, अब वहाँ कह रहे हैं वो लिख के दे रहे हैं वहाँ, नहीं आप ये कराओ कि पोस्टमार्टम यहाँ करेंगे, ऐसा करके लिखवा रहे परिजनों से, ये क्यों करा रहे हैं, मतलब नहीं देखो पुलिस को जबरदस्ती नहीं होती, नहीं हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जिसके इशारों पे ये पुलिस काम कर रही है वो ठीक नहीं है, ठीक है, जिन लोगों के इशारों पे पुलिस काम कर रही है वो ठीक नहीं है, किसी के इशारों पे नहीं, समझ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बाकी ये जो काम, ये उदयपुर, ये अपने जोधपुर संभाग में ये पहली घटना नहीं है, जालौर में हो रहा है, सिरोही में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस के नाकामी है। अब 19 तारीख को इसको मारा उस आदमी को, तो उसी दिन या 2-3 दिन बाद गिरफ्तार कर लेते, अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया आज तक, और डेथ होने के बाद अगर ये आदमी नहीं मरता तो 100% पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती, नहीं करते ये साबित कर दिया, एक मानवता के नाते भी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ धाराएं ऐसी होती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि पुलिस उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकती, अरेस्ट में बात है ना भाई, क्यों नहीं कर सकती पुलिस, क्यों सर, नहीं मेडिकल रिपोर्ट देखो सर, सर धाराओं में भी जातिवाद किया है, किन धाराओं में उनको जो है उसके अकॉर्डिंग होता है, आप साफ और कोई मार्केट में छोटी मोटी चोट लगी है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होती, दोनों पैर टूट गया, पैर टूटने में भी नहीं होती गिरफ्तारी, कानूनी धारा है, सेक्शन के हिसाब से उनको गिरफ्तार।